हाय डियर गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रूपालीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ होंगे। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है, हम लोग उठ चुके हैं और आज के व्लॉग में क्या खास है? आज के व्लॉग में खासियत ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं लाजपत नगर मार्केट। तो आज हम जा रहे हैं लाजपत नगर मार्केट। लाजपत नगर की मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। ना मम्मी गई है नहाने, मम्मी आती हैं, फिर मैं जाऊंगी और फिर थोड़ी देर में हम निकलेंगे लाजपत नगर मार्केट। थोड़ी देर में पहुंच के आपको मिलते हैं। और ये लो जी, जमुना जी के दर्शन कर लो। कुछ कहना चाहोगी मम्मी? साइलेंट मोड पे हो क्या? नहीं, कुछ नहीं बोलना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं लाजपत नगर मार्केट। हाय फ्रेंड्स, आज मम्मी पूरे व्लॉग में नहीं बोली है। बता दो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैं इनको कोप अप करके लेकर आई हूँ कि चलो चलो। हाई था मेरा फ्रेंड्स। और अब हम एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप टॉप्स ले सकते हो। आज के जो ट्रेंडी टॉप्स चल रहे हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ट्यूब टॉप्स हो गए, क्रॉप टॉप्स हो गए, या आजकल जो बैगी टी शर्ट्स का जो फैशन है वो वाले आपको टी शर्ट्स वगैरह सब मिल जाएंगे यहाँ पे। बेसिकली जो सरोजनी नगर मार्केट में आपको स्टफ़ देखने को मिलेगा वो ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, नथिंग न्यू। बट हाँ, लाजपत नगर की मार्केट सूट और सूट फैब्रिक के लिए बहुत फेमस है, तो आप लोग यहाँ से सूट भी परचेज कर सकते हो और सूट फैब्रिक भी परचेज कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छे और रीज़नेबल रेट पे आपको मिल जाएगा। प्लाजो सेट इज़ अराउंड 600 रुपीज़ और बहुत अच्छा था। यहाँ पे इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये शॉप है, मम्मा ने भी यहाँ से एक पैंट सेट ख़रीदा था जो कि बहुत अच्छा था, 600 की रेंज पे। एंड अगेन आगे चलते जाओगे तो आपको बहुत सारे शोरूम्स भी दिखेंगे, शॉप्स वगैरह तो हैं ही पर शोरूम्स भी दिखेंगे बड़े बड़े, तो वो भी हैं। एंड आगे मार्केट में चलते जाओ, घूमते जाओ, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। 100 to 100 से यहाँ पे टॉप्स की स्टार्टिंग है, वही सरोजनी नगर वाला रेट है यहाँ पे। हम आ गए हैं डॉल्मा आंटी मोमोज खाने, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे। जाएंगे और ये हमारे मोमोज, ये शॉप है भैया की, चलो ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना नाम है इसका उस हिसाब से टेस्ट नहीं है, गोलगप्पे उस हिसाब से टेस्ट नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो मम्मी ने यही वाला पैंट सेट ख़रीदा था और बहुत ही अच्छा था एंड अच्छी क्वालिटी का था, नो डाउट। बाकी तो आपने पीछे मेरे डोलमा आंटी के रिव्यूज़ सुन ही लिए, आगे भी आप इसके रिव्यूज़ सुनेंगे। दोस्तों, बहुत बेकार था, बहुत ही बेकार था, मतलब क्या ही बोलूँ, वो तो आगे सुनना आप। तो यहाँ से मम्मा ने अपना पैंट सेट लिया और आगे यहाँ पे हम मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी। हालांकि हमने यहाँ से, मतलब ये जो शॉप है
यहाँ से हमने दो टी शर्ट्स भी ली थी जो कि आजकल की ट्रेंडी बैगी टी शर्ट्स थी, एंड वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। अगर मैंने क्लिप ली होगी तो आप ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों ये एक और स्ट्रीट है जहाँ पे आपको बेड कवर्स, बेड शीट्स एंड पिलोज़ वगैरह देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये होम डेकोर मार्केट है, मतलब होम डेकोर स्ट्रीट है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। हम आ गए हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि भूख लग रही है, हालत हो गई है ख़राब बहुत ज़्यादा, चल चलते चलना पड़ता है। और कोई खास नहीं है ठीक है, लेकिन सोसुआ मारते हैं। सो हमारा खाना आ गया, मेरे खाना हमारा काइंड ऑफ यूनिक बाइक दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये हैं फूड बस ऑफ इंडिया, हम तो गए नहीं, आप लोग जाना तो खा लेना, अच्छा नहीं है यहाँ के लोकल स्ट्रीट का फूड। हाँ। दिखाते हैं जो यूट्यूबर्स भी एक्सप्लोर करते हैं, बिल्कुल बेकार है, कोई खास नहीं। ठंडा देते हैं, जहाँ से हमने खाया कोई मानिक कैफे करके कुछ था, वो बिल्कुल बेकार खाना था, मतलब ठंडा था टेस्ट भी नहीं था, ऐसा लग रहा था नमक खाने के साथ आए थे कि खाना बड़ा अच्छा मिलेगा, कुछ नहीं मिला, सब बेकार था। और जो ये डोलमा आंटी के मोमोज है ना दोस्तों, बिल्कुल मत खाना, अपने घर के अपने घर के रेड़ी वाले के खा लेना, उसके सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे दोस्तों। खाना बहुत बेकार था, 40 सही है, सामने देख के चलो, खाना बहुत बेकार था दोस्तों। खाना आपने अपने जीवन में कभी नहीं खाया, आप अपने रेड़ी वाले से खा लें, बाजार के लिए नॉर्मल आपके जब बाहर बैठते हैं ना रोड साइड से खा लें, बहुत बेकार, बहुत ही बेकार जिसे कहते हैं, बहुत बुरा खाना था दोस्तों। आओ दोस्तों टिकट निकालें, व्हाट द हेल दोस्तों, मेट्रो में इतनी बदतमीजी है, लेडीज़ को जानबूझ के सीट ही नहीं देते, मतलब इन लोगों को बैठने की इतनी ज़रूरत है भाई साहब, बैठेंगे नहीं तो पता नहीं इनका क्या हो जाएगा, पर लेडीज़ को सीट नहीं देनी। इक्वालिटी की बात करते हो, कहाँ इक्वालिटी। अभी हम लोग यहाँ पे एक सीट खड़ी हुई थी, हम लोग ऑलरेडी काफ़ी देर से खड़े खड़े आए हैं ठीक है, तो चलो बुजुर्ग अंकल जी बैठे समझ में आता है। लड़का कूद के बैठ गया, कूद के बैठा सीट पर, जैसे उसने कभी मेट्रो से सीट नहीं देखी। ये चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसको बैठ जाता बेचारे को बहुत सख्त ज़रूरत है, मतलब यहाँ पे सरकार फाड़ फाड़ के बोर्डिंग्स लिख रही है, महिलाओं को सीट दे, महिलाओं को सीट दे, लेडीज सुना सुना, पर ये जितने सारे बैठे हैं ये सारी लेडीज हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, पर ये जितने बैठे हैं ये सारी लेडीज हैं क्योंकि इन्हें हमसे ज़्यादा ज़रूरत है बैठने की। तो दोस्तों घर आ गए हैं, हालत बहुत टाइट है, खाना तो आपने देखा क्या मिला हमें दोस्तों, बहुत बेकार खाना। मैं आपको एक चीज़ की एडवाइस देना चाहूँगी, अगर डोलमा आंटी के मोमोज खाने हो ना, प्लीज़ अपने पैसे वेस्ट मत करना, 80 रुपए के, और इतना ख़राब था टेस्ट ही, इतना ख़राब था, टेस्ट ही नहीं था एक्चुअली, टेस्टलेस थे ना, नमक का टेस्ट था। मुझे तो ये लगता है जो यूट्यूबर्स जाते हैं ना वहाँ पे यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं कि वाओ इतने बढ़िया मोमोज ये फलान ढिमकान, वो मुझे लगता है उनको फ्री में खिलाते हैं तभी वो उनकी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा 80 रुपए डालेगा ना तो उस मोमोज की वर्थ होगी, इसकी बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ। हमने कोई उसको ना, हमने उसकी दुकान का कोई प्रमोशन किया ना, हमने उस दुकान को उतना कुछ खास दिखाया ना, किसी से इंट्रोड्यूस कराया, हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए डोलमो आंटी के उसका मोमोज खिलाए दिखाए, मतलब जस्ट टेस्ट करा, हमने कहा पहले टेस्ट करेंगे देखे तो सही, इतना लोग बोलते क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, उससे
तो बहुत बेकार था। और रही बात दूसरी, हमने जब खाया था पहली बार इतने से दिखा दे कुछ भी, ना छोले कुलचे ढंग के ना कुछ। हमने गोलगप्पे खाए थोड़े से, गोलगप्पे भी बिल्कुल ठीक ठीक थे, मतलब कोई खास नहीं था, ठीक थे। 50 रुपए की प्लेट थी एक सिंगल, कोई खास नहीं थे, ठीक ठीक थे। उसके बाद और खाने के देख रहे क्या खाएं क्या खाएं, कॉर्न मिल रहे थे, चुस्की फुस्की थी, ये सब हमें नहीं खानी थी, ठीक है। फिर अब भूख लग रही थी, चाइनीज प्लेटर हमने देखा, दो तीन जगह देखा, तो चाइनीज प्लेटर खाया हमने, लिया। चाइनीज प्लेटर अच्छा था लेकिन ठंडा था बिल्कुल, वो मतलब टेस्ट उसमें थोड़ा बहुत था, टेस्ट ठीक था लेकिन ठंडा था। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल ही बेकार था। क्या नाम था, किन कैसे खाया था? मानिक्स कैफे। हाँ, खाना अच्छा था पर थोड़ा ठंडा हो गया था, और हमें भी गर्मी लग रही थी, उस वजह से ज्यादा टेस्ट नहीं आ पाया, पर खाना उनका अच्छा था, नो डाउट। कोई इशू नहीं था उनके खाने में। लाजपत बहुत हमारा जो वो था ना एक्सपीरियंस जो रहा, बहुत बेकार रहा हमारा। एक तो क्या था क्या नहीं समझ नहीं आ रहा था, घूम के एक ही जगह पे आ जा रहे थे बार बार। चलो खैर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं घूमते रहना चाहिए, हम तो ब्लॉगर्स हैं, हमें तो कहीं ना कहीं घूमते रहना चाहिए। पर अगर मौका लगा तो हम आपको चांदनी चौक एक बार चांदनी चौक अच्छे से विजिट करवाएंगे, जिस दिन भीड़ थोड़ी ना हो। हाँ, और हम खा सके। अब तो फिर नवरात्रों के बाद ही जा पाएंगे दोस्तों, नवरात्रों के बाद ही मिलेंगे आपको चांदनी चौक में। आपको ये छोटा सा वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आपने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, बाय दोस्तों।